हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति एंड आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ कुर्ता प्लाजो दुपट्टा सेट, कुर्ता प्लाजो सेट कुर्ता। सो ये कुर्ता ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो आई रियली होप आपको भी उतना ही अच्छा लगे जितना मुझे अच्छा लगा है। सो अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कुछ भी लेना हो तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक के थ्रू जा करके आप चेक कर सकते हैं या लेना हो तो ले भी सकते हैं। एंड गाइज, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो फिर हम लोग और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। उसका हैंडल नेम है ज्योति राज ऑफिशियल, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आज के वीडियो में क्या है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर दें जिससे आप जल्दी से वीडियो देख पाएँ और कोई भी नेक्स्ट आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइज, सबसे पहले इस वीडियो में मैं जो आपके साथ कुर्ता शेयर करने वाली हूँ वो सिंगल कुर्ता ही है। वो इस तरीके का है, पिंक कलर का कुर्ता है एंड ब्रांड अमायरा से मैंने स्मॉल साइज में परचेज़ किया है। इसकी MRP तो 199, एक्चुअली 1999 है, बट उतने का नहीं है फॉर श्योर। ये कॉटन फैब्रिक का प्रिंटेड कुर्ता है। इस तरीके से आपको ओवरऑल प्रिंट मिल जाएगा पूरे कुर्ते में वाइट कलर से। कैमरा की वजह से थोड़ा सा कलर और इन्हेंस हो जाता है। कभी कभी आप लोग ऑर्डर करते हैं, कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप बोलते हैं कि आप कलर कैमरा क्वालिटी अच्छी रखा करिए। सो बट अब मैं क्या करूँ, वो पॉप करता ही करता है। मैं कुछ भी एडजस्ट कर लूँ, कितना भी एडजस्ट कर लूँ, बिकॉज मैं बाहर बैठ के शूट नहीं कर सकती, और इवन नेचुरल लाइट में भी शूट करने पे कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बहुत चेंज नहीं होगा बिकॉज मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि वही एक्चुअल कलर आए जो कि साइट पर आपको मिलेगा। फिलहाल इस तरीके से आपको नेकलाइन मिलती है। नेकलाइन इसकी काफ़ी खूबसूरत है एंड यहाँ पर लेस मिलता है वाइट कलर से आपको। इसका फैब्रिक कॉटन है एंड इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैंने इसे लिया था। बट हाँ, अच्छी रेटिंग है, मतलब होनी चाहिए उतनी, बिकॉज ये उस अकॉर्डिंग है। इस तरीके से आपको पूरा कुर्ता मिलता है, लॉन्ग कुर्ता है एंड इसकी हाफ स्लीव मिलती है, स्लीव के एंड में ये लेस मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी प्यारा सा कुर्ता है, आप इसे डेली बेसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑफिस वगैरह जाते हैं ना तब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा कुर्ता है। सो गाइज, जो नेक्स्ट कुर्ता है वो ये रहा। इस तरीके का है, ग्रीन कलर का कुर्ता है एंड इसमें थोड़ा सा आपको ऊपर से सीक्वन वर्क मिलता है। इस तरीके से नेक लाइन है एंड ये जो कपड़े के साथ प्रिंट होता है वही कपड़ा है, मतलब ऊपर से कोई प्रिंट नहीं है। इसका फैब्रिक कॉटन है, इस तरीके का है एंड आपको यहाँ पर 3/4 स्लीव मिलती है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता है एंड इस तरीके से साइड में आपको स्लिट मिलता है, और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे कुर्ते में पॉकेट भी मिलता है। तो अगर आप कुछ चाहें तो कुर्ता में रख सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, ऑफिस जाते हैं या टीचर हैं, कहीं इस तरीके से जाते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी टाइम तक रहना पड़ता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड इसकी फिटिंग वगैरह ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ये प्लाजो मिलता है, प्रिंटेड प्लाजो है पूरा, मतलब जो कपड़े के साथ प्रिंट होता है वही प्रिंट है। इस तरीके से आगे आपको डोरी भी दी गई है कि अगर इलास्टिक ख़राब हो जाती है बहुत बार वेयर करने पर, बहुत बार वॉश करने पर, तो आप डोरी से टाई कर सकते हैं। इस तरीके की है एंड इसका प्लाजो काफ़ी अच्छा है, नीचे से नैरो है एंड इस तरीके से आगे पीछे पूरा प्रिंटेड है एंड ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। कुर्ता प्लाजो दोनों शेयर नहीं है एंड इसके साथ ही साथ कॉटन का दुपट्टा मिलता है आपको। ये भी हैवी प्रिंट का दुपट्टा है बट ये हैवी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट दुपट्टा है। कॉटन के दुपट्टे इस टाइम बहुत अच्छे रहते हैं, आप इवन फेस कवर करके भी इससे जा सकते हैं। बस इसमें ये साइड में जैसे पीको बोलते हैं आई गेस, वो नहीं हुआ है इस दुपट्टे में। बाकी ओवरऑल कोई भी कमी नहीं है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग मस्ट बाय है एंड इस वेदर में तो मतलब क्या ही कहने, उस टाइप का ड्रेस है एंड बहुत प्राइसी भी नहीं है। तो आप अगर इसे देखना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके आई गेस इस पैटर्न के काफ़ी सारे ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ता जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो जो ऑलरेडी मैंने वेयर किया हुआ है। ये कुर्ता अनारकली कुर्ता है एंड इसमें आपको 3/4 स्लीव मिलती है, राउंड नेक है एंड ये जो बटन पैटर्न दिया हुआ है ये ओपन नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है, ये बस लुक के लिए दिया हुआ है एंड आप इसे भी कॉलेज, ऑफिस या डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका घेर काफ़ी अच्छा था एंड ये ओवरऑल प्रिंटेड है, जो कपड़े के साथ प्रिंट होता है, शेयर बिल्कुल भी नहीं है एंड इसकी भी फिटिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मुझे ये कुर्ता भी काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली इसमें कॉटन के कुर्ते हैं, आपको रेयन फैब्रिक भी मिल जाएगा, बट ये कलेक्शन काफ़ी अच्छा है इस वेदर के लिए, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड ये जो ईयर रिंग्स हैं इसका
उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे अगर आपको मैच करके वेयर करनी है या कुछ इस टाइप की इयररिंग्स चाहिए हो तो वो भी आप देख सकते हैं। सो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ता की तरफ। नेक्स्ट कुर्ता जो मैंने लिया है वो ये रहा। ये ब्रांड इंडो एरा से है, स्मॉल साइज में है एंड इस तरीके से आपको सीक्वेंट वर्क मिलता है नेकलाइन पे। ये स्टैंडर्ड कॉलर है जिसको मैंडरिन कॉलर भी बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हुक मिलता है, इसको आप बंद कर सकते हैं। बट मेरा थोड़ा सा जब यहाँ पर कुछ लगता है तो मुझे लगता है मेरा कोई गला दबा रहा है, तो इसलिए मैं कभी भी कुछ भी यहाँ तक का लेग वेयर भी करती हूँ तो ज़्यादा टाइम तक वेयर नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से ये हुक तो मैंने ओपन ही कर रखा था। एंड एक और हुक मिलता है इसमें, आपको दो हुक मिलते हैं, दोनों ओपन होते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। इसमें आपको 3/4 स्लीव मिलती है एंड स्लीव्स पे भी इस तरीके से प्यारा सा सीक्वेंट वर्क किया गया है। एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, तो ये कुर्ता मुझे पर्सनली पसंद है इस कलेक्शन से। तो इस तरीके से ओवरऑल प्रिंटेड कुर्ता है ये पूरा, आपको प्रिंट मिलेगा ओवरऑल कुर्ते में। साइड में स्लिट मिलता है, आप इसे चाहें तो लेगिंग्स के साथ वेयर करेंगे तो बहुत स्मार्ट पीस लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन शॉर्ट आपको इसमें दुपट्टा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली नीचे बॉटम वेयर कुछ भी डाल लीजिए एंड निकल लीजिए। इस टाइप का कुर्ता है, बिल्कुल भी शेयर नहीं है। कलर इसका ब्लैक है बट इसका फैब्रिक रेयन है, तो गर्मियों में भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा कुर्ता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ता जो है इस हॉल का वो ये रहा। इस तरीके से ब्लू कलर का कुर्ता है, ब्रांड इंडो एरा से, स्मॉल साइज़ में है और ये प्रिंटेड कुर्ता है। इस तरीके से 3/4 आपको स्लीव मिलती है, स्लीव के एंड में ये बटन मिलता है एंड ये भी काफ़ी लॉन्ग कुर्ता है एंड स्लिट मिलता है आपको साइड में। पूरा प्रिंटेड कुर्ता है, आगे पीछे पूरा आपको प्रिंट मिलेगा, हैवी प्रिंट का कुर्ता है इस तरीके का। एंड इसका जो फैब्रिक है वो रेयन है, शियर बिल्कुल भी नहीं है एंड इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। प्रिंट है तो इसे आप सेपरेटली वॉश कीजिए, मतलब मशीन में ही मत वॉश कर दीजिएगा सारे कपड़ों के साथ, बिकॉज रेयन से नॉर्मली कलर तो नहीं निकलता है बट इसका जो प्रिंट है वो जा सकता है, बिकॉज और कपड़ों के साथ लाइक मर्ज करके आप धोते हैं तो रगड़ता है एंड देन इसका प्रिंट चला जाता है। आप हैंड वॉश करेंगे तो सबका प्रिंट, क्योंकि इंडो एरा इज़ लाइक काफ़ी नेम्ड ब्रांड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी रिव्यू किया हुआ है तो मुझे पता है। तो इस तरीके का है ये, आप इसे सेपरेटली वॉश करेंगे तो ये प्रिंट फॉर श्योर काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। इस तरीके का पूरा ओवरऑल कुर्ता है एंड ब्लू कलर मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से आपको मेरे हर कलेक्शन में ब्लू कलर तो फॉर श्योर मिल जाएगा। तो ये कलेक्शन भी, मतलब ये कुर्ता भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ट्राई ऑन आपने देख लिया, अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए या देखना चाहिए या और देखना चाहिए कलेक्शन, तो आप फॉर श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई रियली होप आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय।